टाइप की और उस टाइप की वीडियोस फिल्म करना चाहते हो देन दिस वीडियो फॉर यू एंड प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड अगर आपको वैसी वीडियोस चाहिए तो okay so before that let me show you that how my studio looks like. okay so all you have seen all the things and let me explain you everything in the depth now so i have this backdrop as you all have seen this one is from digitech there are two stands and then we have one rod आई यूज़ कर्टन्स अगर आपको बैकड्रॉप चाहिए तो आप बैकड्रॉप भी ले सकते हो सो आई है बैकड्रॉप स्टेल एंड आई यूज़ करटन्स आई आई मोस्टली प्रिफर ब्लैक एंड द वाइट बैकग्राउंड ओनली आई डोंट प्रिफर एनीथिंग एल्स अभी मेरे मन में बहुत ही ज़्यादा बेच कलर का चल रहा है मुझे पता नहीं कि वो बेच कलर से बहुत ही ज़्यादा मैं अट्रैक्ट होती हूँ तो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे बेच कलर का बैकग्राउंड मिल जाएगा तो क्या ही बात है सो आई एम इन सर्च ऑफ दैट

तो मेरी जो लाइट्स हैं वो एक इस साइड से आती है और एक इस साइड से आती है जिससे जो मेरे फीचर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प दिखते हैं इंटरडेज वीडियो लाइक इन इंटरडेज लुक आई हैवेंट यूज कॉन्टोर बट अगर मैं कॉन्टोर या प्रॉन्जर यूज़ करती तो वो बहुत ही शार्प दिखता शार्प इन द सेंस कि वो बहुत ही प्यारा दिखता पॉइंट टू पॉइंट आपका मेकअप दिखता है अगर यही लाइट मैं सामने रखती तो इससे क्या होता कि जो मेरा मेकअप है वो बहुत ही ज़्यादा प्लेन दिखता दैट्स वाई आई यूज़ वन स्टिक लाइट एंड अनादर नेचुरल लाइट अगर मेरे पास इधर से नैचुरल लाइट नहीं होती तो वट आई डू इज अगर मैं क्या करती हूँ अगर मेरे पास इधर से नेचुरल लाइट नहीं होती तो एक साइड से मैं स्टिक लाइट रखती हूँ और दूसरे साइड से मैं एक और लाइट रखती थी वो स्टिक लाइट भी हो सकती थी वो रिंग लाइट भी हो सकती है आई हैव रिंग लाइट बट मैं सिर्फ रिंग लाइट यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ मैं आपको सारी टाइप की वीडियोस दिखाऊंगी जब मैंने सिर्फ स्टिक लाइट यूज़ की है मैंने सिर्फ रिंग लाइट यूज़ की है जब मैंने दोनों चीज़ें यूज़ की है आई विल शो यू ईच एंड एवरीथिंग बट यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सी एच एंड एवरी थिंग देन अनादर पॉइंट इज दैट और अनादर टूल विच आई हैव इज द फाइव एंड वन रिफ्लेक्टर लेट मी शो यू कि इसका काम क्या है फाइव एंड वन रिफ्लेक्टर से क्या होता है अगर मेरे फेस पर मुझे लाइट चाहिए बट बहुत ही ज़्यादा नहीं आ रही है सो दैट दैट टाइम आई यूज फाइव एंड वन रिफ्लेक्टर इट ऑल डिपेंड्स के आपने लुक कौन सा क्रिएट किया है आपको लाइट चाहिए आपको लाइट काटनी है फॉर एग्जाम्पल कभी कभी क्या होता है कि बहुत वो, ही ज़्यादा लाइट आती है एंड यू हैव टू कट द लाइट एंड आई यूज़ ब्लैक बाई फाइफ एंड वन रिफ्लेक्टर कि इसमें फाइव एंड वन रिफ्लेक्टर में क्या चार कलर्स तो आई रिमेंबर बट एक और जो कलर है मुझे याद नहीं आ रहा जो चार कलर हैं वो एक सिल्वर वाइट ब्लैक और गोल्डन ठीक है तो जब मुझे सिल्वर मतलब जब मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए होती है आई यूज़ सिल्वर वन जब मुझे लाइट काटनी होती है आई यूज़ ब्लैक वन जब मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखाना पड़ता है कि गोल्डन इफेक्ट है सनलाइट का इफेक्ट नो डाउट no सनलाइट का इफेक्ट नहीं दिखता है बट थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुझे दिखाना पड़ता है तब मैं आई यूज़ दैट गोल्डन फाइव गोल्डन वाला एंड वाइट वाला मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है तो मुझे पता नहीं है और जो एक ऑन कलर में बोल रही हूँ मुझे याद नहीं आ रहा है वो भी मैंने यूज नहीं किया है इसलिए मुझे याद नहीं आ रहा है कैन यू सी दिस पैक आई है बट इट इज नॉट साउंड कैंसिलेशन माइक मुझे सबको चुप करवाना पड़ता है फिर ही मैं ये वीडियो बना पाती हूँ मतलब फिर ही मैं वीडियोस फिल्म कर पाती हूँ बट व्हाट डज़ इट डू ये आपके पास जो आवाज़ लेके आएगा वो ऐसे करके नहीं लेके आता है ये आपके पास जो आवाज़ लेके आता है वो बिल्कुल ऐसे करके लेके आता है आई होप यू गॉट माई पॉइंट अगर मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसमें क्या होता है कि जो आवाज़ होती है मैं जब पहले वीडियोज़ बनाती थी मुझे बहुत ही तेज़ बोलना पड़ता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जो आवाज़ है वो मेरे फोन तक नहीं जान गए बट नाउ जैसे अगर मैं नॉर्मल इंसान से बात कर रही हूँ अभी मैं उसी पिच में बोलती हूँ उसी वॉल्यूम में बोलती हूँ सो दिस इज़ वॉट डज इट दिस इज वॉट इट डज ओके देन आई विल शो यू फ्यू क्लोथ सो आई हैव दिस क्लोथ दिस इज़ माई टॉप बेसिकली सो आई यूज़ दिस क्लोथ एज अ बैकग्राउंड फॉर माई प्रोडक्ट मैंने वह आई शूट इन द सनलाइट

ये जब मैं सनलाइट में यूज़ करती हूँ तब तो मैं ये वाला बैकग्राउंड यूज़ करती हूँ प्रोडक्ट के लिए बट अगर मुझे स्टेकलाइट और नेचुरल लाइट का यूज करना होता है एट दैट टाइम आई यूज़ दिस क्लोथ देन आई हैव दिस लेंसिस इट इज मैक्रो एंड माइक्रो लेंसेज माइक्रो लेंस का कभी मुझे यूज नहीं आया है आई ओनली यूज माइक्रो लेंसिस मैक्रो लेंस वॉट टिपल लेंसिस सो इट इज माइक्रो लेंस सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक सबसे पहले तो ये ऐसे आता है इसको ऐसे करके लगाना रहता है फ़ोन के कैमरा में दिस इज हाउ माइक्रो लेंस लुक लाइक एंड दिस इज द माइक्रो लेंस माइक्रो लेंस का कभी मुझे यूज़ नहीं आया है आई ओनली यूज माइक्रो लेंस जब मुझे प्रोडक्ट का जूम इन शॉर्ट लेना रहता है ओके सब ये हैव टॉक्ट अबाउट बैकड्रॉप लाइट माइक लेंस बैकग्राउंड फाइव एंड रिफ्लेक्ट एंड एवरीथिंग बट इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास ये सारी चीज़ें हैं स्टिल वीडियो जो है वो अच्छी बन जाए इट हैद हेपन विथ मीन दैट्स वाई ओनली आई एम टेलिंग यू यू हैव टू प्ले विथ एक्सपोजर टेंट ब्लैक पॉइंट और वॉर्म एंड ब्राइटनेस यू हैव टू प्ले विथ ऑल दीस थिंग आपको आपकी जो वीडियो है वो एडिट करनी पड़ेगी लाइट्स के उस मैं बोल रही हूँ जैसे कि आई शूट विथ माई आई फोन ट्वेल्व अब आई फोन से क्या होता है जो वीडियोज़ होती है वो बेसिकली वॉर्म वीडियोज़ बनती है इफ़ यू हैव नोटिस वो वॉर्म वीडियोज़ बनती है तो आपका जो मेकअप है वो इतना उठ के नहीं आता है आपका जो मेकअप है वो इतना अच्छा नहीं लगता है सो वॉट आई डू आई इंक्रीज द एक्सपोजर आई इंक्रीज़ द टेंट की जो ब्लश है वो ये हो जाए दैट्स वाई आई इंक्रीज़ द टेंट आई इंक्रीज़ द एक्सपोजर्स एक्सपोजर hey, में इंक्रीज़ इस इसलिए करती हूँ कि थोड़ा सा जो वीडियो है वो ब्राइट लगे आई इंक्रीज़ द ब्लैक पॉइंट इससे क्या होगा जैसे फॉर एग्जाम्पल इन टूडेज वीडियो आई हैव हैवोर ब्लैक कलर का जैकेट माई हेयर इज़ ब्लैक इससे क्या होता है कि इनके जो कलर्स हैं वो भी इन्हेंस हो जाते हैं सो बेसिकली वो ब्लैक कलर को भी इन्हेंस कर देता है टेंट से आपके जो कूल cool कलर्स हैं वो इनहेंस हो जाएंगे ब्लैक से आपके जो ब्लैक कलर्स हैं वो इनहेंस हो जाएंगे एक्सपोजर से लाइट बढ़ जाएगी सो यू हैव टू प्ले विथ ऑल दीज थिंग्स अगर आपको आपकी वीडियो आई कैचिंग बनानी है तो आई हैव पेस्ट टू पिक्चर्स ओवर हियर यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन दिस आई हैव प्लेड विथ एक्सपोजर टेंट ब्लैक पॉइंट आई हैव प्लेड विथ ऑल दीज थिंग्स एंड यू कैन सी द डिफरेंस सो यू हैव टू प्ले वाई क्योंकि हमारे जो आईफोन में वीडियोज़ बनती हैं वो हमारी होती हैं वॉन wow. That's why I do all these things. So yes, if you have any doubt related to the videos which I've been, you can leave a question in the comment box. I will answer that. And I hope you all have enjoyed this video. So please do subscribe my channel. Until then, see you. Bye bye. Swap.